नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। हम लोग लाइट पे चर्चा कर रहे थे और लाइट पे हमने कुछ बातें आपको बताई थी जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारा लाइट होता है ये दोनों नेचर शो करता है, मीन्स ये डुअल नेचर शो करता है। एक तो पर्टिकल नेचर शो करता है, दूसरा वेव नेचर शो करता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जिस पे काम कर रहे हैं ना, हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीजें पढ़नी थी हमको। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन पे हम लोगों ने काम कर लिया है, अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। हम लोग क्या करेंगे, अब एकदम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बार बार लोगों की प्रॉब्लम आती है सर आपकी स्पीड बोलने की जो है वो थोड़े से तेज है, तो हम लोग अब एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से चलेंगे, एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं ना कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, थोड़ा सा समझना है, चीजों को एकदम आराम से समझना है। दो केस होता है, मान लीजिए हमारी, मान लीजिए कोई हमारा एक ये सरफेस है, ओके, मानते हैं, मान लीजिए कोई हमारा एक ये सरफेस है और ऊपर से कोई लाइट की बीम आ रही है। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अभी हम समझते ही इसकी डेफिनेशन भी निकाल लेंगे, ओके। मान लीजिए ये हमारा सरफेस था और यहां से हमारी बीम ऑफ लाइट आ रही थी और जैसे ही इस सरफेस पे टच की, बात ध्यान से समझिए, अगर आपको याद होगा तो तीन चीज आपको तुरंत याद आनी चाहिए, क्या क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और तीसरा नॉर्मल। बात याद आई समझ में, जैसे ही कोई लाइट की बीम के सरफेस को टच करेगी आपके दिमाग में तीन चीजें तुरंत होनी चाहिए, क्या क्या, एटलीस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल। तो जैसे मान लीजिए यहां पे कोई सरफेस पे जाकर टच करती है, ओके, अब यहां पर जैसे टच करी इस लाइट की बीम ने, अब टच करते ही दो केस होगा, या तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, अगर चूंकि हमने क्या कर दिया यहां पे पॉलस कर दिया है, तो अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहीं से वापस चली जाएगी और यहीं हमारा कहीं नॉर्मल होगा, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों क्या होती है, बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या होता है हमारे रिफ्रैक्शन का केस होता है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब दोबारा फ्लैक्ट हो गई, हमारी लाइट आई तो थी बट सरफेस पे टच होते ही रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया, डिटेल में बात किया है, अगर आप लोग नहीं उसको सीन करे हैं तो फिर से जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उसे देखिए, तभी आपको ये बातें अच्छे समझ में आए। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप रिफ्लेक्शन पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अपना नहीं करेंगे तब तक आपको रिफ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बात समझ में आई, आइए ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक जो हमारा केस होता है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज डिटेल में चर्चा करेंगे, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना, सारे यहीं से बनेंगे, पेपर आउट कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए हम मान लीजिए लेते हैं ग्लास स्लैब लेते हैं। ग्लास स्लैब क्यों लेते हैं, क्योंकि चूंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जब रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन में जो हमारा पहला प्रैक्टिकल होता है, अगर स्कूल में गुरुजी कभी अगर आपको लैब में ले गए होंगे तो जैसे ही बात आई होगी लाइट के प्रैक्टिकल का, सबसे पहले गुरुजी ने आपको ग्लास स्लैब दिया होगा और ग्लास स्लैब से पहला प्रैक्टिकल उन्होंने कराया होगा। अगर नहीं कराया तो अभी यहीं पर कर लेते हैं, क्या करना है, चाहे स्कूल का लैब हो चाहे यहाँ का लैब हो, दोनों बात बराबर है। तो मान लीजिए हमने ग्लास स्लैब ले लिया, ओके, अब इस ग्लास स्लैब में मैंने क्या कराया, एक लाइट की बीम को मैंने यहाँ पे इंसिडेंस कराया। एकदम बारी बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ लाइट के बीम को हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लेकर के मैंने यहाँ पे आया, ओके। अब हमारा जो ये ग्लास स्लैब है ना, जो हमारा जो ग्लास का कह सकते हैं कि क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लाइट की बीम सरफेस को टच करेगी, अब यहां पे दो काम होने वाला है, क्या, यहां पे जो हमारा इसका नॉर्मल होगा, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब का नॉर्मल है, नॉर्मल सब लोग जानते होंगे ना, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, भाई 90 डिग्री वाला, इतना जल्दी कैसे भूल गए, 90 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री की एंगल होगी, ओके। अब मान लीजिए हमने यहां पे लाइट पे, यहां पे हमारी ये लाइट आई, अब क्या होगा, चूंकि हो क्या रहा, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा था पिछली बार कि जैसे जैसे जो मीडियम होता है, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, उसकी डेंसिटी या तो घटती है तो बढ़ती है, दोनों बात ध्यान समझिएगा, लाइट की डेंसिटी जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही लाइट, होता क्या है, लाइट ट्रैवल करती है, अब जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी उस मीडियम की जो बोल सकते हैं आपकी डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी पे लाइट की स्पीड डिपेंड करती है। ध्यान से फिर से एक बार दोबारा आराम सुनते हैं,
मैंने आपसे क्या कहा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो मीडियम के डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी, अरे वही मास वॉल्यूम वाला जो मैथ्स में पढ़ा था। डेंसिटी क्या होता है, आपने मास ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, वो डेंसिटी होगी। अब उधर बात नहीं करेंगे, वो फिर बातें हम लोग फिर अपने ट्रैक से चेंज हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इतना जानना है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो बीम थी लाइट की ना, वो क्या करी, इंसिडेंस करी। एकदम ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंस करी, और जैसे ही ग्लास स्लैब पे इंसिडेंस करेगी क्या होगा, बताइए क्या होगा, अरे क्या होगा भाई, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और क्या, ये हमारा नॉर्मल था। अब यहां पे क्या होगा, वैसे तो एक्चुअली में अगर यहां पे ग्लास स्लैब ना होता तो ये लाइट सीधे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, बट अब क्या हो गया, ये क्या था, रेयर अर्थ था, इसके कंपैरिजन में ये जो ग्लास स्लैब की डेंसिटी वो क्या होगी, ज्यादा डेंसर होगी, ज्यादा डेंसर होगी। ये क्या, ये रेयर अर्थ मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया। जब ये रेयरर और डेंसर हो गया तो जैसे ही लाइट का पार्टिकल गुरु एंटर करेगा इस ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर की तरफ, यानी बोले तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, और ये इसकी स्पीड ऐसे हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला आपसे। अब इससे आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि इफ वो पार्टिकल ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, व्हाट हैपेंस विद इट, इट जस्ट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट जस्ट मूव टुवर्ड द नॉर्मल। मीन्स क्या, एज वी नो दैट हावर वॉट हैपनिंग हेयर द पार्टिकल ऑफ लाइट मीन्स वट, एज एक्चुअली वी नो दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये बात पता होगी आपको, क्लास टेंथ की जब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, तो वहां बताया था मैंने आपको, जब ट्रेवल करती है कैसे करती है, फोटॉन के फॉर्म में करती है, पैकेट के फॉर्म में करती है, पार्टिकल के पैकेट के फॉर्म में। हालांकि इसकी डिटेल हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो उसके डिटेल की बात करेंगे। ओके, अब क्या हो रहा है, ट्रेवल किया लाइट के पार्टिकल्स, यहां पे ये बीम आई, और जैसे इसने सरफेस को टच किया, एज इट इज कम थ्रू द सरफेस, ओके, व्हाट हैपेंस आफ्टर, आफ्टर रिफ्रैक्शन द पार्टिकल ऑफ लाइट्स मींस द बीम ऑफ लाइट विल बी जस्ट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल जस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस फेनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात मेरी समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी रिफ्रैक्शन की। इफ अ पार्टिकल ऑफ लाइट, ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान समझिएगा, बाकी आप लिख सकते हैं, हाँ कॉपी कलम ले लीजिए, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहना, लिखते रहना, समझते रहना, हालांकि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप अगले 10-15 मिनट तक मेरे साथ रहेंगे तो आज के बाद पूरे जीवन में, पूरे जिंदगी में आपको कभी समस्या नहीं होगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, सर रिफ्रैक्शन क्या होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन बनते कैसे। और याद रखिएगा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो अभी जो आपको पढ़ना है ना, साइन आई बाई साइन आर पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ना है, वो चीज समझ में नहीं आएंगी, साथ नहीं आएंगी, एकदम ध्यान समझ लीजिएगा। अगर आपने इस बातों को ध्यान से नहीं समझा तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपको स्फेरिकल लेंस पूरा नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि आगे की कोई दिक्कत ना हो। मैं इसको मिटा के फिर से बताता हूं, मैं इसको मिटा के फिर से बताता हूं, और आपको मैं फिर से डेफिनेशन भी लिखता हूं। मैं डेफिनेशन इसलिए लिखूंगा ताकि आपको बातें समझ में डिटेल में आ जाए, ठीक है। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, यू मे राइट डाउन, अगर आपसे डेफिनेशन की बात हो आप लिख सकते हैं कि द बीम ऑफ लाइट या द लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द डेंसिटी एंड द रेयरसिटी द स्पीड इज बीइंग चेंज। मैंने क्या बोला आपसे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पाथ को चेंज करती है। फिर से, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, तो क्या करती है, ये अपने पाथ को चेंज करती है, और इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई, लिखवा दे कि रहन दे, अब जैसा आप लोग कहिए, अगर कहिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, तो अच्छा लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, when light, सीधे सीधे लिखेंगे, when light passes from या process through, जो भी लिख सकते हैं, passes from one medium to another medium। अब देखिए, मेरा डेफिनेशन लिखाने का सिर्फ एक कारण है ताकि आपको बातें थोड़ी एक बार फिर से समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा था किसी डेफिनेशन को हम लोग कम से कम 3 से 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन, सीधे यहां से स्टार्ट करते हैं, इट चेंज क्या होगा, चेंज इट्स डायरेक्शन, देन इट changes its direction मैंने क्या बोला आपसे, अपनी डायरेक्शन क्या करेगी,
चेंज करेगी, कौन चेंज करेगा, लाइट चेंज करेगी। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, पासेस लिखा है इसको ध्यान से समझिएगा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड या इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बात समझ में आ गई, रिफ्रैक्शन बात समझ में आ गई। जब भी लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगी, जब भी अपने लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, अपने पाथ को, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, वो हम वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने आपसे क्या बताया कि लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट विल जस्ट गो and the medium will change, that the same thing will be happen as the light comes from the air and entered into glass slab, okay? So pehla example dekhte hain, jaise maan lijiye hum log kya karte hain, glass le lete hain, chaliye practical fit se lab mein chalte hain, humne ek glass liya aur glass mein humne kya kiya, aadha glass mein pani bhara hua hai aur usme humne kya kar diya, ek apni pencil ko dalte hain, पेंसिल डालते, एक्चुअली में तो पेंसिल हमारी ऐसी होनी चाहिए बट ये क्या होगा, शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट होती है किधर, ये डेंसर था, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ होगी, मतलब ये हमारा कहीं इधर दिखाई देगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि क्या होगा, जब रेयरर से डेंसर में आएंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पानी में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो क्या होता है, एक्चुअल में वो जिस हाइट पे होता है ना, एक्चुअल में वो जिस हाइट पे होता है ना, उस हाइट से वो उठा हुआ दिखाई देता, उठा हुआ। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट पानी में रखा है नीचे, बट क्या होगा, मान लीजिए पानी इतना इसमें भरा हुआ है और आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, बट ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म होता है, ये यहाँ पे कहीं फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि जैसे ही लाइट की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होगी तो लाइट, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर दिखाई देता है। ये बात समझ में आई, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा क्या कि ड्यू टू डेंसिटी ऑफ लाइट, या यू कैन से ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट जस्ट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या ड्यू टू, डेफिनेशन आपने देख लिया, आइए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिकल देखेंगे। एक बार फिर से मैंने ग्लास स्लैब को ले लिया, ओके, और यहां से मैंने क्या किया, ये हमारे इंसिडेंट लाइट हो गई, यहां पे मैं नॉर्मल बना दे रहा हूं, और जैसे ये अंदर जाती है ग्लास स्लैब की, ये क्या हो जाएगी, इधर आएगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा है रेयरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये हमारा है नॉर्मल, ये हमारा है आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, या तो सीधे हम लोग इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये हमारा है क्या, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई था और ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इससे कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही लाइट ट्रेवल करी ग्लास स्लैब में आई, वो क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ तुरंत क्या हो गई, मूव हो गई, नॉर्मल तरफ तुरंत क्या हो गई, मूव हो गई। बात समझ में, इससे हम लोग आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड, सीधे सीधे डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड, ये हमें एक रिजल्ट मिला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिएगा, डिफरेंट मीडियम डिफरेंट स्पीड, जैसा जैसे मीडियम डिफरेंट होगा वैसे क्या होगा, हमारा क्या होगा, स्पीड भी डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ गई, आप लोग इसे बना लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, इसको मिटाता हूँ मैं, ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना, वही जो हमने आपको बताया अभी इसके पहले जो बताया था मैंने आपको, उसे हम आपको रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं, क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम
इट जस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसी को दो रिजल्ट को आप लिख सकते हैं. पहला रिजल्ट क्या होगा कि जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर से डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ आएगी. दूसरा रिजल्ट क्या होगा, जब डेंसर से आएगी रेयरर की तरफ तो नॉर्मल से अवे जाएगी. तो लिख लीजिए व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, दोनों लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट. पहला लिखिएगा व्हेन लाइट, when light, सीधे सीधे लिखेंगे when light goes from rarer to denser medium when light goes to rarer to denser medium it bends towards normal, it bends टूवर्ड नॉर्मल. जैसा कि आप लोगों से पता होगा, आप लोगों को विनय सर ने कहा था कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी सर ने बढ़ा दिया है कि आप लोगों को नोट्स बनवाते चलना है. नहीं तो हम क्या सोचते थे कि सीधे सीधे हम लोग एक्सप्लेन करके आगे चलेंगे, लेकिन चूंकि कमिटमेंट है सर का कि सब कुछ आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सारी नोट्स हम ही लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ रिटर्न फॉर्म में मैं भी दूंगा. ठीक है, आपको एकदम परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं, किताबों तक नहीं जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, वेन लाइट गोज फ्रॉम, दूसरा लिखिएगा रिजल्ट इसका, when light goes from denser to rarer medium, इसी का vice versa है, कुछ अलग नहीं है, इसी का vice versa है, it bends away from the normal. away to normal, अवे टू नॉर्मल कह सकते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, चाहे अवे टू नॉर्मल के चाहे अवे फ्रॉम नॉर्मल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ये दो रिजल्ट आपको मिल गए. अब हम लोग सीधे चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे. ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है. ये तो वैसे भी आपके दिमाग में अब तो सेट हो गया होगा कि जैसे ही लाइट आई कहां से आई, रेयरर से आई, मतलब हवा से आई, ग्लास स्लैब में आई, ये क्या हुई, नॉर्मल तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ गई. ओके, अब जैसे फिर क्या हुआ, फिर जैसे वही लाइट की बीम अगर ग्लास स्लैब से बाहर आएगी, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमारी ये ग्लास स्लैब थी और यहां से हमारी ये लाइट आ रही थी, तो इधर क्या हो गई, ये हमारा नॉर्मल था, तो यहां पे क्या हो गई, इधर बेंड हो गई. लेकिन 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 जैसे यही सेम लाइट यहां पे आ गई दोबारा, ध्यान से, फिर क्या होगी, यही पाथ को फॉलो कर, आपको अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये दोनों क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल. अभी आपको मैं आगे डिटेल बताऊंगा जब मैं आपको अभी साइन आई साइन आर को वो डिटेल में बताऊंगा कि क्या होगा. फिर से यहीं पे जैसे इस ग्लास स्लैब से लाइट बाहर आई ना, ये इसके तुरंत एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगी, दोनों रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगे. ठीक है, तो अभी इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, बस अभी हम लोग को इतना जानना है कि जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर टू डेंसर क्या होगी, नॉर्मल की तरफ, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, बात समझिएगा, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बात समझ में आई. चलिए आइए हम लोग अगली बात को देखते हैं. अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.